देखिए सुबह सुबह फोन चला रहा है। हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे और सबके दिन सही से कट रहे होंगे। ना मैंने पहले दिन व्लॉग बनाया ना दूसरे दिन व्लॉग बनाया, क्योंकि थोड़ा सा बीमार था मैं, जिसकी वजह से मैं व्लॉग बनाने के मूड में नहीं था। तो आज तीसरा दिन है, ईद का तीसरा दिन है। ऑलमोस्ट सभी स्कूल गए, सभी बच्चे स्कूल गए, तो कोई कोई घर पर गए। तो मैं थोड़ा सा बाजार घूमने आया था थोड़ी देर के लिए, और ये कॉटन कैंडी ली थी, तो इसी को पहले खाएंगे, ठीक है। अभी कुछ भी प्लान नहीं किया क्या करेंगे, अभी रोहब का स्कूल आने के बाद देखते हैं क्या करेंगे, अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। चलिए, फिलहाल तो मैं कॉटन कैंडी खा रहा हूँ। बहुत दिनों के बाद लास्ट बार खाई थी अमृतसर में। हाँ, डन विद कॉटन कैंडी। भाई देखिए, धूप काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे गाड़ी में। अब चलते हैं यार। एक बात तो कहना पड़ेगा, पुराने गाने में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है। एवरग्रीन सॉन्ग्स का सबसे इतना मजा आ रहा है ना सुनने में, वो भी गाड़ी में। हालांकि वाइब आ रही है। बस आज इतना ही गुजर जाना है। बाहर ही मैंने गाड़ी रख ली, क्योंकि कहीं जाने का प्लान है। ये है मेरा जुआ, जुआ समीर, जुआ कहते हैं इसको। टाइम आ गया 4 बजे, 4 बजे उसकी छुट्टी हो जाती है रोहब की, तो उसी का वेट कर रहा था, क्योंकि हमें कहीं जाना था। पता नहीं कितनी देर तक आएगा अभी। तो कहते हैं भाई, मैंने 3 बजे आज, नहीं 3 बजे कहाँ, 1 बजे मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है। चलो देखते हैं क्या रहता है। और तब तक मुझे कमेंट्स में बताओ कि किस किस को पता है कि एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है। जिसको पता था वो मुझे कमेंट में सेक्शन में बता दो। 44 बिलियन में उसने ट्विटर को खरीदा है। 44 मिलियन इज नॉट ए जोक। 44 मिलियन में आप कंट्रियों को खरीद सकते हो, इतनी बड़ी मोटी रकम है 44 बिलियन। कहने में आया कि वो थोड़ा इसको तगड़ा बना देगा ट्विटर को। चलो, 2 दिन बाद फ्रेम शॉट हो रहा है, क्योंकि 2 दिन से बीमार हूँ। इतनी खांसी हो रही है, यहाँ से अब एक्सरे करवाना पड़ेगा। लिटरली सच ये बता रहा हूँ। तो और 2 दिन मतलब कि खाने में सब्जी में सिर्फ आलू, तले हुआ आलू चिप्स, कशर पोना आलू चिप्स और खाली पानी पिए जा रहा हूँ। तो अभी एक्सरे करवाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से बहुत पेन हो रही है 2 दिन से। सो फिलहाल के लिए कुछ नहीं है बताने को, पता नहीं नज़र लग गई अब किसी की। खैर, फिलहाल के लिए हम खाना खाएंगे, तो उसके बाद जाएंगे डॉक्टर के पास और यहाँ से एक्सरे करवाएंगे। तो देखते हैं फिर क्या सीन रहता है और हालत कैसी है तुम्हारी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ कसम से। फिलहाल के लिए जाते हैं खाना खाने, तो उसके बाद देखते हैं फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। माह रमज़ान में सोचा था मैंने शक्कर वाली चाय पीऊँगा, लिप्टन चाय थी नसीब। बस देखो, खाने में सब्जी के बदले क्या खाना पड़ता है, चिप्स, आलू के चिप्स, आलू चिप्स या कशर पोहा। डन विद खाना पीना। कसम से मैं चिप्स खा खा के बोर हो गया हूँ। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने, और तो एक्सरे करवाएंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रही है 2 दिन से, जैसे कि मैंने बताया आपको अभी के भी। और ये देखो अहमद भाई कैसे भी भाई, ला 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 ला। अहमद भाई का भी जल्दी मतलब गाना आ रहा है, जिसकी शूटिंग करने पहलगाम जाना है।
ठीक है, तो फिलहाल के लिए चलते हैं डॉक्टर के, पर नहीं पहले एक्सरे करवाने जाएंगे। चलिए ये होते हैं पागल। देखो दवाई लेके आया था और इस पागल ने गाड़ी रख दी सामने, मुसीबत आ गई कसम से। और ऊपर से नंबर भी नहीं दिया है किसी शीशे पर या कहीं जगह। आधे घंटे के बाद मैं निकल रहा हूँ वहां से, कसम से अगर मुझे वो मिल जाता ना गाड़ी वाला पक्का तो मुझे इसके साथ झगड़ा हो जाता है। अब पत्थर उठाने पड़े मुझे वहां से, मुसीबत कसम से। ऊपर से नंबर भी नहीं दिया है, अगर कम से कम नंबर दिया तो मैं फोन कर दे भाई आपने ऐसी तो रख लिया ऐसी गाड़ी, हाथ दे कसम से। अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ, गर्मी क्या लग रही है। पहले तो मैं जैकेट निकालूंगा बाहर, फिलहाल के लिए थोड़ा सा राउंड मार कर आते हैं क्योंकि मैं दो दिन से बाहर नहीं निकला हूँ, खाली बिस्तर में लेटा पड़ा था, तो घूमना तो बनता है अभी। ठीक है, फिलहाल के लिए थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिर घर पर ही बैठना पड़ेगा फिर से। भी आगे अब घर में बैठ के रेस्ट करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि घर वाले तो नहीं छोड़ेंगे, खास करके माँ मुझे बाहर नहीं जाने देगी फिलहाल के लिए। जब तक ठीक हो जाएंगे तब तक घर में ही बैठना पड़ेगा, क्या ही कर सकते। भाई जी मैंने कहा था कि मैंने GoPro ऑर्डर किया है, उनका कॉल भी नहीं आया, मुझे लगा जितना तक मुझे लगा वो फेक ही था शायद, कम से कम कॉल ही तो आ जाता, ना कॉल आ गया ना कुछ, वो शायद फेक ही था, छोड़ो आप क्या ही कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर कुछ था करने को तो दिखाएंगे, अगर नहीं तो फिर तो पता ही है ना। चलिए दवाई तो देखो, जैसे कोई सब्जी लेके आ रहा हूँ, इतना बड़ा ठेला है।